नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ झारखंड में और झारखंड में एक जगह है पंचघाग जो वाटरफॉल है। यह झारखंड के खूंटी जिले में पड़ता है। खूंटी जिले के अंतर्गत एक प्रखंड है जिस प्रखंड का नाम है मुरहू। मुरहू से जब हम चाईबासा की तरफ चलते हैं तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने साइड एक बोर्ड लगा हुआ है और उसी बोर्ड से जब अंदर हम 1.5 किलोमीटर आते हैं तो यहाँ पर प्राकृतिक का सुंदर नज़ारा है, पंचघाग वाटरफॉल, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर स्थान है। इस स्थान पर आने के लिए बहुत बार से हम सोच रहे थे, इस रास्ते से बराबर गुजरते थे लेकिन अवसर नहीं मिला। लेकिन आज अवसर मिला तो हमने सोचा इसको हम देख लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ देख लीजिए, यही वाटरफॉल है जहाँ से पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, प्राकृतिक का बहुत सुंदर स्थान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है और सरकार की तरफ से भी बहुत व्यवस्थाएँ की गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो पानी यहाँ पर गिर रहा है उसको, इसके लिए कि यहाँ पर तालाब टाइप का बना दिया गया है जिसको हौज बोलते हैं, इसमें पानी गिरता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो है पानी वहाँ से ओवरफ्लो होकर के गिरता है और फिर आप हमारे नीचे देख सकते हैं, ये इस स्थान से भी पानी गिरता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये पानी सीधे जा कर के इस साइड जाता है और नीचे नदी के रूप में विलीन हो जाता है। तो बहुत सुंदर प्राकृतिक का स्थान है, आप देख सकते हैं। और ये आने लायक जगह है, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। अभी तो दोपहर का समय है, बहुत लोग आए और चले गए। सुबह में बहुत अधिक भीड़ रहता है, 9 बजे के बाद लगभग 12 बजे तक। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है।